नमस्कार बच्चों, आप सबका चैनल पे स्वागत है। बच्चों, अगर आप क्लास नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अपन जानने वाले हैं शिक्षा निदेशालय बीकानेर के नवीनतम आदेश के बारे में। शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने जो नवीनतम आदेश जारी किया है, नया जो आदेश जारी किया है, वो आपसे संबंधित है, इसलिए आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने जो आदेश जारी किया है वो क्या है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2020 और 21 से संबंधित है। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप सबको पता है ये कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के कारण देश भर की स्कूल्स कई महीनों से बंद पड़ी है। हालांकि उन स्कूल्स के अंदर ऑनलाइन क्लासेज है वो जारी है, तो उन्हीं ऑनलाइन क्लासेज के आधार पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2020 और 21 से संबंधित एक नया आदेश शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने जारी कर दिया है। वो शिक्षा निदेशालय ने जो आदेश जारी किया है उसके यानी कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि अब की बार हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नहीं होगा, अद्वार्षिक परीक्षा नहीं होगी, सभी स्टूडेंट्स की एक ही परीक्षा होगी, वो होगी वार्षिक परीक्षा। क्योंकि अद्वार्षिक परीक्षा का टाइम है वो आ गया है, दिसंबर के महीने में यानी कि अद्वार्षिक परीक्षा हर साल होती है, लेकिन अब की बार स्कूल्स बंद पड़े हैं इसलिए अद्वार्षिक परीक्षा नहीं होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि जैसे लास्ट साल बिना पेपर दिए अपन को अगली क्लास में यानी कि भेज दिया गया, जैसे नॉन बोर्ड वाले थे नाइन्थ वाले को टेंथ में भेज दिया गया, ग्यारहवीं वालों को बारहवीं में भेज दिया गया, तो अब की बार भी ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको एग्जाम देना होगा और उसी एग्जाम से संबंधित दिशा निर्देश आए हैं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है, वो ये है कि आपकी वार्षिक परीक्षा 15 मई 2021 के बाद होने वाली है। 15 मई 2021 के बाद कभी भी हो सकती है, अभी टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है। जैसे ही टाइम टेबल आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से दोबारा सूचित कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी न्यूज आपने बोर्ड पे देख ली होगी और सुन भी लिया होगा, और साथ ही जो नया आदेश आया है, अब इसके आगे का क्या है वो अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले अपन जानेंगे बोर्ड पैटर्न, कि बोर्ड क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं या और क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं नॉन बोर्ड के हैं, उन सब के लिए कि आपका जो पेपर आएगा कोई भी सब्जेक्ट का, उसका पैटर्न क्या होगा, किस पैटर्न पे आएगा। तो वो बोर्ड पैटर्न है, उसमें उस आदेश में साफ साफ ये लिखा गया है कि अब की बार जो पेपर का लेवल होगा वो आसान होगा, हार्ड नहीं होगा। क्योंकि उनको भी पता है स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो कुछ ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं। अगर हार्ड लेवल दे देंगे तो स्टूडेंट्स अब वो फेल हो जाएंगे। बोर्ड कभी भी नहीं चाहता है कि स्टूडेंट्स फेल हो, उसका साल खराब हो, इसलिए वो बोर्ड है। टाइम इतना खराब चल रहा है फिर भी पेपर के लिए यानी कि बोल रहा है कि आपका साल नहीं खराब हो जाए। तो बोर्ड पैटर्न की अगर अपन बात करें तो बोर्ड पैटर्न सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने जान ली कि पेपर का लेवल आसान होगा। अब पेपर में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, खास तौर से अपन पहले इंग्लिश की बात कर ले, और इंग्लिश के अलावा अदर सब्जेक्ट की भी यानी कि सेम जो मैं इंग्लिश के बता रहा हूँ वैसा ही होगा। इंग्लिश के अंदर अगर बात करें तो आपके एग्जाम में 100 टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं और साथ में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं। पिछले 10-12 साल से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो बंद है, 8-10 साल से। तो अब की बार के लिए केवल 2020-21 के 70 एग्जाम के लिए क्या बताया गया है, आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन,
एबीसीडी वाले क्वेश्चन, एबीसीडी वाले क्वेश्चन वो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको लर्न करना है, एक शब्द वाले, एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके बाद बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन बड़े प्रश्न जो होंगे उसका लेवल बहुत ही आसान होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप क्या याद कर लीजिए, साथ में छोटे प्रश्न कर लीजिए, एक शब्द वाले भी आप अच्छे तरह से यानी कि लर्न कर लीजिए। और ये छोटे प्रश्न और एक शब्द वाले प्रश्न कब होंगे, जब आपकी बुक अच्छे से पढ़ी हुई होगी तो आपको अच्छे से जरूर पढ़ना है। और सारी वीडियोस लगभग यानी कि मैं सिलेबस है वो करवा चुका हूँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ट्रांसलेशन वाले वीडियोज आप जरूर अच्छे से वॉच कर लेना। तो छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन और बड़े प्रश्न, ये आपको करना है। हालांकि अभी तक बोर्ड ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि कितने नंबर के छोटे आएंगे और कितने नंबर के बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे। ब्लू प्रिंट अभी नहीं यानी जारी किया है, ब्लू प्रिंट आपको जनवरी में देखने को मिलेगा। तो जनवरी में जैसे ही बोर्ड ब्लू प्रिंट डाल देता है तो वह ब्लू प्रिंट में आपको बता दूंगा कि कौन से प्रश्न कितने नंबर का आएगा। लेकिन अब के लिए इतना मान के चलिए कि बड़े प्रश्न के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे की बात करें प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा क्लास 9th के लिए तो नहीं है, 10th के लिए भी नहीं है, क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर से 12 के स्टूडेंट्स के लिए जिनके प्रैक्टिकल है, चाहे तो वो साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो या आर्ट का हो, तो उनकी प्रायोगिक परीक्षा होगी। लेकिन मेन एग्जाम के बाद, एनुअल एग्जाम के बाद उसका प्रैक्टिकल होगा। हर साल क्या होता है, मेन एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल होता है। अब की बार क्या होगा, प्रैक्टिकल कब होगा, जब आप एनुअल एग्जाम दे दोगे उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्रैक्टिकल के जो भी नंबर आपके निर्धारित है अलग अलग सब्जेक्ट में उतने ही नंबर का होगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। अब बात करें सत्रांक के क्या आदेश है। सेशनल मार्क्स भेजे जाते हैं, 80 नंबर का पेपर होता है आपका और वार्षिक परीक्षा, और 20 नंबर के सत्रांक भेजे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कहीं आपको ऐसा लगे कि हमारा हाफ ईयरली एग्जाम नहीं लग रहा है तो सत्रांक नहीं भेजे जाएंगे, तो स्टूडेंट्स आपके सत्रांक भेजे जाएंगे चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम नया लग रहा। अब सत्रांक किस बेस पे भेजे जाएंगे, हर साल सत्रांक किस बेस पे भेजे जाते हैं। इससे पहले जो सत्रांक जो भेजे जाते थे वो अद्वार्षिक परीक्षा के आधार पे, कि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस रही है, आपका डिसिप्लिन कैसा रहा है, अटेंडेंस कैसी थी, कितनी थी, प्रोजेक्ट, इस सबको मिलाकर के यानी कि 20 नंबर आपके यानी भेजे जाते थे अलग अलग सब्जेक्ट में, यानी कि अलग हो सकता है साइंस का, लेकिन हिंदी इंग्लिश इनके लिए यानी मैं बता रहा हूँ 20 तरह भेजे जाते थे। अब वो 20 नंबर आपको अब की बार भी मिलेंगे, लेकिन वो 20 नंबर आपको देंगे किस में, हम टीचर्स स्टूडेंट को वो देंगे, यानी कि आपका कक्षा 9 से 12 तक का जो अंक विभाजन है वो है 20+80, मतलब 80 का तो सबका पेपर रहने वाला है। ये जो 20 मार्क्स है ये क्या है, ये सेशनल मार्क्स है, सत्रांक है। और ये सत्रांक कौन से आपको किस आधार पे मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको गृह कार्य के रूप में, होमवर्क जो आपको दिया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से, या स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट जो क्लास स्कूल के अंदर जाते हैं टीचर्स के पास गाइडेंस के लिए, उन्हें जो होमवर्क मिलता है उनके आधार पे। तो स्टूडेंट्स ध्यान रख लीजिए, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक कोई भी सब्जेक्ट में होमवर्क बाकी है वो अपना होमवर्क पूरा कर ले, क्योंकि अब की बार आपके लिए जो होमवर्क है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कॉपी नहीं डालते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, तो उनके लिए बात क्या है खास, अब की बार आपको होमवर्क करना पड़ेगा, चाहे आप स्कूल से जाकर के कर रहे हो या ऑनलाइन क्लासेज में जो भी दे रहा है। तो अब करना क्या है आपको, जैसे ही आपका मेन एग्जाम होगा, वार्षिक परीक्षा होगी, तो ये जो होमवर्क वाली जो कॉपी है ये आपको स्कूल के अंदर जमा करवानी होगी। हर बार आपको यानी होमवर्क वाली कॉपी जमा नहीं करवानी होती है, लेकिन अब की बार आपको इस होमवर्क के नंबर मिलेंगे, इसलिए ये आपको नोटबुक है
वो साफ सुथरी रखे, नोटबुक में और कुछ न लिखे, जो भी चैप्टर है उससे रिलेटेड लिखे, कवर लगा करके यानी कि अपनी नोटबुक को अच्छे से रखे, क्योंकि आपकी ये जो नोटबुक है हर सब्जेक्ट की वो 20 नंबर की रहने वाली है और वह आपको स्कूल में एग्जाम से पहले जमा करवानी होगी। अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, तो हो सकता है टीचर आपको ये कह दे कि आप एग्जाम जैसे ही दे दो उसके बाद जमा करवा देना, लेकिन आपका यानी कि डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, टीचर को ऐसा लगता है कि ये एग्जाम के बाद नहीं जमा करवाएगा, तो टीचर उनसे वह नोटबुक पहले ही क्लास के अंदर स्कूल के अंदर जमा करवाएगा। तो अब आप देख लो कि आप किस टाइप के स्टूडेंट्स हो। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये वीडियो आपके ये जो रहने वाला है, सीधी सी बात यही है, 15 मई 2021 के बाद आपकी होगी वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी। नंबर दो, बोर्ड पैटर्न अपन ने जान लिया, ब्लूप्रिंट जनवरी में आएगा तो मैं बता दूंगा, वैसे आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको लर्न करना है, पेपर का लेवल इजी आएगा। प्रायोगिक परीक्षा है वो आपको मेन एग्जाम के बाद होगी। स्थिरांक बता दिया आपका, सेम वही रहने वाला है, 20 प्लस 80। 20 किसके मिलेंगे? गृह कार्य के मिलेंगे और 80 नंबर आपका पेपर आएगा। तो सभी स्टूडेंट्स का, चाहे 9वीं का हो, 10वीं का हो, 11वीं का हो, 12वीं का हो, ये रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पे अगर आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।